हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बॉब हेयर कट। इस तरीके से आप बॉब हेयर कट करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट आएगा। तो अगर आप बड़ी लड़कियों का बॉब हेयर कट करना चाहते हो, जैसे कई बार मेरे पास कमेंट आता है कि मैम बड़ी औरतों के ऊपर बॉब हेयर कट करके दिखाओ, तो ये वाला हेयर कट आप बड़ी औरतों पर भी ट्राई कर सकते हो। और इनके हेयर मेरे जितने लंबे थे, मेरे से भी थोड़े लंबे थे और यहाँ तक कट किया है मैंने। तो किस तरीके से कट किया है पूरा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, कितने हेयर कट हुए हैं, फ्लोर पे कितने हेयर गिरे हैं, फाइनल लुक क्या है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप वीडियो देख के ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी इस तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इतने ज़्यादा हेयर कट हुए हैं जो कि आपको मेरे हाथ में दिख रहे हैं, और ये है फ्लोर पर गिरे हुए हेयर। तो चलते हैं, हेयर कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है गर्ल जिनका हेयर कट करना है। तो अभी हम जस्ट आई हैं, टोपी ओपी पहन के आई थी, तो मैंने इनका टोपी निकलवाया है। अभी बालों को ओपन करेंगे और बालों को अच्छे से सुलझाएंगे और गीला करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको कटिंग सीट लगा ले रही हूँ और इनके बालों को ओपन कर देती हूँ। ओके, तो अगर आप बड़े लोगों का भी बॉब कट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कट आएगा। अगर बड़ी लड़कियों का बॉब कट करना है तो अक्सर मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम बड़े लोगों पे बॉब कट करके दिखाई। तो आप ये कटिंग से आप बॉब कट बड़े लोगों पे भी कर सकते हो, और ये छोटे लोगों पे भी अच्छा लगेगा, बड़े लोगों पे भी अच्छा लगेगा। तो ये स्कूल की गर्ल्स थी जिनका मैं हेयर कट कर रही हूँ, स्कूल जाती हैं ये। तो ज़्यादा मतलब फ्रंट पे नहीं छोटा किया है, बट पूरा मतलब लेंथ तो बहुत छोटी कर दी है, ईयर से थोड़ा सा नीचे शोल्डर लेंथ तक इनका हेयर कट किया है मैंने। और बॉब कट करने का परफेक्ट तरीका है इस तरीके से। इनके बालों में थोड़ी ऑयल भी थी तो मैंने वैसे ही कट कर दिया है। तो अच्छे से मैंने इनके बालों को सुलझा लिया है। अभी बालों की ईयर टू ईयर पार्टिंग कर देंगे और आगे के बालों को आगे की तरफ रख देंगे, बीच से मांग निकाल के, बीच से मांग निकाल के ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पार्टिंग करेंगे और आगे के बालों को आगे छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पार्टिंग करेंगे और बालों को आगे निकाल देंगे और बैक के बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। ओके, और थोड़ा सा पीछे से जो हमारा क्राउन एरिया होता है वहाँ से हेयर को उठाएंगे और ऊपर की तरफ क्लच करके सिक्योर कर देंगे, ताकि हम गाइडलाइन अच्छे से बना लें अपनी। इतने बालों को लेके इसको ऊपर सेट कर देंगे क्लचर की मदद से, किसी भी पिन क्लिप की मदद से आप सिक्योर कर सकते हो। तो मैं पिन लेने चली गई। तो इस तरीके से इतने बालों को नीचे करेंगे, इसको कट करके हमको गाइडलाइन मिल जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जिसको भी सीखना हो हेयर कटिंग उसे। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो इतना इनको इनका लेंथ रखना है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से पहले एक इक्वल एक बराबर हम लेंथ अपनी डिसाइड कर लेते हैं कितना लेंथ चाहिए। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे भी थोड़ा सा मतलब कटिंग फिनिशिंग देते टाइम छोटा हो जाएगा। तो ये हमने अपनी गाइडलाइन कंप्लीट कर ली। अब ऊपर के बालों को खोल देंगे, अच्छे से इसको थोड़ा सा गीला करके चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कट हुआ है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको गीला करने के बाद फिर कॉम में इस तरीके से सेट कर करके आप देख लेंगे, और कहीं से ऊपर नीचे हो तो आप कट कर दीजिए वहाँ से, लेकिन ये ठीक है। और ऊपर के हेयर को खोलेंगे, वो हमारा सिर्फ गाइडलाइन था। अब उसके ऊपर के हेयर को ओपन करके उसको अच्छे से टेंगल रिमूव करेंगे और थोड़ा सा बीच से इस तरीके से बाल कर देंगे ताकि हमको गाइडलाइन दिख जाए अपनी। ये देखिए, हमको दिख रही है गाइडलाइन। अब इसी के अकॉर्डिंग पीछे के हेयर्स को कट करेंगे एकदम उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि आपका हेयर कहीं नीचे से छूटेगा भी नहीं और ऊपर नीचे नहीं होगा, अच्छा सा कट आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कट। अभी पूरा वीडियो अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा।
तो ये बिल्कुल फिनिशिंग कट कर लीजिए और अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं से इधर उधर रह तो नहीं लिया। और ऊपर से फिर उसके बाद से आपको फ्रंट में जो हमने हेयर रखा था उसको बैक की तरफ लेके आएंगे और अच्छे से कॉम करेंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कॉम करके और फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस तरीके से फिंगर में लेके गाइडलाइन थोड़ी सी ले लेनी है, उसके बाद से हेयर को फिंगर में लेना है और देन इसको ऐसे कट करना है। आपको दिख रहा होगा गाइडलाइन, उसी के सीध में एकदम कट कर देना है। देखिए इधर के जो छोटे हेयर हैं वो गाइडलाइन है हमारी और इधर के हेयर को तो आप देख सकते हैं कॉम के इधर जो हेयर है वो हमारा गाइडलाइन है। तो जस्ट जैसे ही वो हेयर निकले आपके वहाँ से आपको हेयर को कट कर देना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मतलब हाफ इंच तक आपका आगे का फ्रंट का हेयर लंबा होगा। बॉब कट में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा फ्रंट का जैसे आप देख सकते हो इस तरीके की नोक सी निकल जाती है हेयर में, तो बहुत अच्छा कट आता है। अब सेकेंड साइड से हम लोग कट करेंगे। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से, इधर से मैंने कॉम में नहीं लगाया है, आपको उस साइड समझ में आ गया होगा। और ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर दिया है हेयर को। ओके, और फिर उसके बाद से आप अच्छे से चेक कीजिए कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, फ्रंट का इक्वल कर लीजिए इस तरीके से कॉम करके और फ्रंट के हेयर को ऐसे फिंगर में पकड़ के और कट कर लीजिएगा। मैंने पूछा आपको मतलब शॉर्ट बैंक्स चाहिए, तो इन्होंने बोला नहीं स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने शॉर्ट बैंक्स नहीं किट कट किए हैं। तो इस तरीके से हेयर को हैंड में लेना है फिंगर में और आगे के मतलब हेयर्स को फ्रंट के हेयर को, तो इस तरीके से फ्रंट के हेयर को फिंगर में लेना है, थोड़ा थोड़ा मतलब पार्टिंग कर लेनी है और ऐसे निकालना है। देन स्ट्रेट कॉम करके ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रही हो। प्लीज़ गाइज अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ी सी भी इंटरटेनमिंग और समझ में आया हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर कॉम करके बीच की स्केल मांग निकाल के और चेक कर लेंगे कि अच्छे से कट हुआ है या नहीं। ओके, आप देख सकते हैं दोनों साइड के हेयर इक्वल हैं। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं से छूट तो नहीं गया। जहाँ से आपको लगे कि अधिक है वहाँ से आपको कट करना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा अधिक लग रहा है तो इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये इक्वल हो गया, जिधर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ आप उसको कट कर लीजिएगा। अब दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके से आपको कट करना है। तो देखिए इधर से भी आपको हेयर को ऐसे लेना है और ये देखिए ऊपर नीचे लग रहा है तो इतना हेयर कट कर देंगे। इसलिए मैंने इस पहले वीडियो को बिल्कुल स्पीड नहीं किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं से छोटा तो नहीं है। जहाँ से भी छोटा आप देख सकते हो मैं कॉम में चेक कर करके वहाँ से कट करते जा रही हूँ। ओके, आप लोगों को कैसी लगी कटिंग जरूर बताइएगा गाइस कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये लगभग हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और मैं इनका अभी फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ, कितने हेयर कट हुए हैं, कितना फ्लोर पे गिरा है, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बच्चों का हेयर कट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे सिर कभी इधर कभी उधर ऐसे करते रहते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा।
ये बार बार इधर से सिर झुका लेनी थी। ओके तो अभी आ गया इनका फाइनल लुक, देख लीजिए आप लोग। ओके तो ये है इनका फाइनल लुक, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम एक बराबर इक्वल कट हो गया है। तो ये इनका बैक का लुक है और ये है फ्रंट का लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये है इनका फ्रंट का लुक। तो कैसी लगी गाइस, आई होप अच्छी लगी हो। और ये है फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स, देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्प लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।